अब आपका जो अगला टॉपिक चलने वाला है वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, मीडियम क्या होती है, लॉन्ग क्या होती है। ये आपके अभी जो बीच में आए थे पाई मॉडल, टी मॉडल, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बड़े तरीके से, बिगर लेवल पे पूरा डिस्कस करेंगे कि पाई क्या होता है, टी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीजें बड़े तरीके से। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले एक टॉपिक हम लोग और पढ़ लेते हैं, जो है हमारा टू पोर्ट नेटवर्क। ये टू पोर्ट ने, अब आप बोलोगे सर ये टू पोर्ट नेटवर्क पावर सिस्टम में कहां से आ गया, टू पोर्ट नेटवर्क तो आपका टॉपिक ही किसका है, नेटवर्क का टॉपिक है, तो आप इसको पावर सिस्टम में उठा के क्यों लाए हो। इसका रीजन है बेटा, क्या रीजन है, जब हम मॉडल बनाएंगे किसके, ट्रांसमिशन लाइन के, जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहां पे आपको पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एबीसीडी पैरामीटर्स में, तो उन ए की वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी, डी की क्या होगी, हर एक डायग्राम के लिए आपको बार बार निकालना पड़ेगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं हम, पहले क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले सारे जितने भी मॉडल है उन सारे के सारे मॉडल्स के पैरामीटर एक बार में ही निकालना सीख लेते हैं। सही बात है कि नहीं है, तो सारे एबीसीडी का काम पैरामीटर्स का हम एक बार में ही कर लेते हैं, पूरी जानकारी एक बार में ही ले लेते हैं। तो इसलिए पहले हम पढ़ लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। अब ध्यान से सुनना और समझना, यह है आपका टू पोर्ट नेटवर्क। देखो टू पोर्ट नेटवर्क ना आप लोग नेटवर्क में भी पढ़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ते होंगे, क्लियर है, याद करते होंगे कि हाँ इसकी इक्वेशन ये होती है, इसकी ये होती है, ये होता है, ये वो होता है, क्लियर है। ओके, देखो एक कोई भी मेरा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक कोई भी आपका नेटवर्क हो, नेटवर्क में दो चीजें जरूर होती है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, ठीक है। तो मान लो दो पोर्ट है आपके पास, एक इनपुट पोर्ट है, एक आउटपुट पोर्ट है, सही है। इनपुट पोर्ट पे कोई वोल्टेज होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, कोई करंट होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा नेटवर्क हो चुका है। यहां पे भी आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज होने वाला है, ठीक है, यहां पे भी आपका कुछ ना कुछ करंट होने वाली है, ठीक है, यही होने वाला है बिहेवियर, ओके। ट्रांसमिशन लाइन की बात पावर सिस्टम की अभी करेंगे, पहले आप टू पोर्ट नेटवर्क की समझ लो थोड़ा सा। देखो ये बिहेवियर होता है, ठीक है। अब सर जब हम पढ़ते हैं टू पोर्ट नेटवर्क तो हम बहुत सारे पैरामीटर पढ़ते हैं, हम जेड पैरामीटर पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं, एच पैरामीटर पढ़ते हैं, एबीसीडी पैरामीटर पढ़ते हैं, हर एक की इक्वेशन पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, जेड पैरामीटर निकालना सीखते हैं, फिर वाई सीखते हैं, फिर एबीसीडी निकालना सीखते हैं, फिर एच पैरामीटर निकाल, बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा लंबा सा हो जाता है, और हर एग्जाम में इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली तरीके से पूछा जाता है, पैरामीटर्स के ऊपर पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, क्लियर है। अब देखो आज आपको ऐसा समझ में आ जाने वाला है कि किसी भी की भी इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, ओके। अब समझना कैसे, समझोगे तो सब कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो इधर से आपने देखना शुरू किया, दो पोर्ट है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, ठीक है, ये है आपका पोर्ट नंबर वन, ठीक है, ये है आपका पोर्ट नंबर टू, क्लियर है, पोर्ट वन पोर्ट टू। इसका पोर्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, आप बोलते हो ना एयरपोर्ट, इसका मतलब क्या है, हवाई जहाज जहां पे आते हैं जाते हैं वो होता है आपका पोर्ट, जैसे बंदरगाह समझ लो एक तरीके से, जहां पे जहाज आते हैं और जाते हैं, सही बात है। तो ये पोर्ट का मतलब है जहां पे आपका इनपुट आएगा या यहां से इनपुट जाएगा, वो आपका पोर्ट कहलाता है, ठीक है, ओके। अब आपके पास में चार वेरिएबल है, मैंने आप लोगों ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पोर्ट वन पे आपने देखा तो आपको दो पैरामीटर मिले, क्या मिला, वोल्टेज, क्या मिला, करंट। दूसरे पे देखा तो वहां भी दो वेरिएबल है, वोल्टेज करंट, चार वेरिएबल आपके पास, ठीक है। इन सबको समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, प्रायोरिटी, क्या याद रखनी है, प्रायोरिटी, कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है और किसकी प्रायोरिटी कम होती है, समझो। तो पोर्ट वन और पोर्ट टू में से पोर्ट वन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है पोर्ट टू से, मतलब अगर आप कभी भी एलिमेंट चूज करोगे तो पहले एलिमेंट किसका चूज करने की प्रायोरिटी रखोगे, पोर्ट वन के, उसके बाद में किसके एलिमेंट चूज करोगे, पोर्ट टू के, ठीक है, ओके। पोर्ट वन की प्रायोरिटी ज्यादा है पोर्ट टू से, मतलब पोर्ट वन के एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी पोर्ट टू के एलिमेंट से, कंफ्यूजन क्लियर, ठीक। अब पोर्ट वन में दो चीजें हैं, वोल्टेज करंट, पोर्ट टू में भी दो चीजें हैं, वोल्टेज करंट, ध्यान रखना वोल्टेज की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, करंट से, ठीक है। तो वोल्टेज की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, करंट से, वोल्टेज की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, करंट से। प्रायोरिटी का लेवल समझ में आ गया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी V1 की, फिर I1 की, फिर V2 की, फिर I2 की, क्लियर है।
आप बोलोगे सर ये क्यों बताया है, रीजन बता देता हूं क्यों बताया है। सुनो, अब जो भी बोलोगे उसकी इक्वेशन में दो मिनट में लिख के दिखाऊंगा। देखो, आपने बोला सर जेड पैरामीटर, आपने बोला जेड पैरामीटर, जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, इंपीडेंस। भाई जेड क्या होता है, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, जेड का मतलब होता है इंपीडेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, वी इक्वल टू आई इंटू जेड। मतलब आपकी जो इक्वेशन रहने वाली है इसमें इधर साइड तो रहेंगे वी और उधर साइड रहने वाली है करंट। सही बात है कि नहीं है, सही है। तो वोल्टेज V इक्वल टू आई जेड की इक्वेशन बनानी है, जेड पैरामीटर की इक्वेशन बन जाएगी आपकी, खत्म बात। अब वोल्टेज, वोल्टेज की बात करो, कितने वोल्टेज है आपके पास में, दो है सर, V1 रहा V2 रहा। सही बात है, दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, V1 की ज्यादा है, V2 की कम है। तो पहली इक्वेशन कौन बनाएगा, V1 बनाएगा, और V2 कौन सी इक्वेशन बनाएगा, दूसरी इक्वेशन बनाएगा। क्लियर है, क्यों बनाएगा, क्योंकि V1 की प्रायोरिटी ज्यादा है और V2 की प्रायोरिटी कम है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या क्या बच गया, I1 बच गया और क्या बच गया, I2 बच गया। बिल्कुल सही है, I1 I2 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, I1 की ज्यादा है, I2 की कम है। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, I1 आएगा, बाद में कौन आएगा, I2 आएगा। क्लियर है, पहले कौन आएगा, I1 आएगा, बाद में कौन आएगा, I2 आएगा। कौन से पैरामीटर लिख रहे हो, जेड पैरामीटर, बस हो गए जेड पैरामीटर, जेड वन 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 टू टू वन टू टू, बताओ यही होता है कि नहीं होता है। कितना टाइम लगा, टाइम लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। दूसरा देख लो, और बता देता हूं मैं आपको, मान लो आपको वाई पैरामीटर लिखने हैं, वाई का क्या मतलब होता है, एडमिटेंस, एडमिटेंस का क्या मतलब है, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज, यही होता है कि नहीं होता है। सही है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, आई इक्वल टू वाई इंटू वी, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो। सही है, मतलब I इक्वल टू वाई इंटू वी बनाना है। अब करंट आपके पास कितनी है, दो है, कौन कौन सी है, I1 I2, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, I1 की है। पहली इक्वेशन कौन बनाएगा, I1 बनाएगा, दूसरी इक्वेशन कौन बनाएगा, I2 बनाएगा, क्योंकि I2 की प्रायोरिटी कम है। उधर क्या आने हैं, वोल्टेज आने हैं, वोल्टेज कितने बच गए, दो बच गए, कौन बचा है, वी1 और वी2। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है सर, वी1 की है, कम प्रायोरिटी किसकी है, वी2 की है। ये लो, ज्यादा किसकी है, वी1, कम किसका है, V2, बन गया वाई पैरामीटर। देख लो क्या हो गया, यहां लिख दो Y11, यहां लिख दो Y12, ये हो गया आपका Y21 और ये हो गया आपका Y22। बताओ कोई कंफ्यूजन है, बताओ बना कि नहीं बना, किसी के भी लिख सकते हो, जिसके चाहो, जिसकी मर्जी हो लिखने का, उसके पैरामीटर के आप लिख सकते हो। और भी लिख के दिखाऊं, चलो और लिख के दिखा देते हैं, देखो जरा ध्यान से। एक और है आपके, मुझे पता है सबसे ज्यादा डर आपको उसी से लगता है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी की आप बार बार याद करते हो, कंफ्यूजन आपको उसी में होता है, ठीक है, ओके। और वो है आपका कौन सा, एच पैरामीटर। बेटा नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बस नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम क्लियर तो सब कुछ क्लियर। ये टू है, ओके। एच पैरामीटर, इसका नाम जानते हो आप, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइब्रिड, एच का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड संकर। हाइब्रिड का मतलब समझते हो, आप लोगों ने 11 12th में पढ़ा होगा खच्चर, खच्चर जानते हो ना क्या होता है, जो गधे और घोड़े के मिक्सर से बनाया जाता है। गधा एक अलग प्रजाति है, घोड़ा एक अलग प्रजाति है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज को आपने मिक्स किया तो क्या बना, खच्चर बना। खच्चर को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, एच पैरामीटर है मतलब हाइब्रिड है, एच का फुल नेम होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब है, संकर प्रजाति। संकर का क्या मतलब है, अलग अलग प्रजाति के दो लोगों को मिक्स करना है, अलग अलग प्रजाति के दो लोगों को मिक्स करना है। अब देखो यहां पर अलग अलग प्रजाति क्या क्या है, पहली चीज पोर्ट वन पोर्ट टू, दोनों अलग अलग प्रजाति है, पोर्ट वन पोर्ट टू, ठीक है। दूसरा अलग अलग क्या है, वोल्टेज और करंट, यही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो पहले पहली प्रजाति को चूज करो, पोर्ट वन और पोर्ट टू में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, पोर्ट वन की है, ठीक है, पोर्ट वन की है। अब पोर्ट वन में अंदर गया तो वोल्टेज और करंट मिला, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, वोल्टेज की है, ठीक है। तो सर पोर्ट वन में से मैंने वोल्टेज को चूज कर लिया, क्या बनाना है, संकर बनाना है, हाइब्रिड बनाना है। तो अगला जो होना चाहिए वो सेम पोर्ट का नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी प्रजाति का होना चाहिए। तो इसके अलावा दूसरी प्रजाति कौन है, पोर्ट टू, ठीक है। अब पोर्ट टू में दो पैरामीटर, वोल्टेज और करंट, आपको बनाना है हाइब्रिड। पहले आप क्या ले चुके हो, वोल्टेज ले चुके हो, अगर यहां भी वोल्टेज ले लिया तो सेम सेम हो जाएगा, वोल्टेज वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज नहीं लेना है तो फिर क्या लेना पड़ेगा, करंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या बनाना है, हाइब्रिड बनाना है। बस नाम क्लियर होना चाहिए, जेड का मतलब इंपीडेंस, वाई का मतलब एडमिटेंस,
और एच का मतलब हाइब्रिड, समझ गए? तो हाइब्रिड से आपको समझ में आ गया पैरामीटर चूज करना, बिल्कुल क्लियर है। अब बताओ क्या क्या बच गया, V2 बच गया, ओके, और क्या बच गया, I1 बच गया। अब I1 और V2 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, I1 की ज्यादा है, तो पहले I1 आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले कौन आएगा, I1 आएगा, फिर कौन आएगा, V2 आएगा, क्योंकि V2 की प्रायोरिटी कम है, I1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, बिल्कुल दिख रही है। तो यहां पे कौन आएगा, I1 आएगा, यहां कौन आएगा, V2 आएगा, और ये किसके पैरामीटर हो गए, एच के पैरामीटर हो गए, एच वन 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 टू, ये हो गया टू वन, और ये हो गया आपका टू टू। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार किसी के पैरामीटर याद करने की जरूरत है क्या? ना, किसी के याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी काम है, आसानी से कर लूंगा मैं, सही बात है कि नहीं है? ओके, अब हम आते हैं हमारी पिक्चर के ऊपर, ट्रांसमिशन लाइन के बिहेवियर के ऊपर, सही बात है नहीं है? ओके, तो सुनना, अब आपके पैरामीटर होते हैं अगले वाले पैरामीटर, और वो हमारे पैरामीटर है कौन से, एबीसीडी पैरामीटर। कौन से पैरामीटर है, एबीसीडी पैरामीटर। अब देखो एबीसीडी पैरामीटर्स को समझने के लिए आपको एक थोड़ी सी कहानी और समझना कंपलसरी है। क्या कहानी समझना कंपलसरी है, देखो भाई हमें बात करनी है किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की, हमें बात करनी है हमारे पावर सिस्टम की, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या करना है भाई, क्या बिहेवियर है, देखो सर बिहेवियर कुछ भी हो, सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहां पे मेरा सोर्स लगा हुआ है V ऑफ S, और ये करंट को भेज रहा है I ऑफ S, सही है, और ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होते हुए यहां पे मेरा लोड लगा हुआ है, सही बात है कि नहीं है? ऐसा ही होता है सिस्टम, बिल्कुल क्लियर है सर, यही होता है, ये मेरा लोड है, और लोड का वोल्टेज है मान लो ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, इसको मैं बोल देता हूं V ऑफ R, और यहां पे ये करंट आ रही है, इसको बोल देता हूं मैं I ऑफ R। बताओ यही है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना? अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहा था, पहले बस मैंने क्या समझाया था, क्या समझाया था मैंने कि चार वेरिएबल है, वी आर है, आई आर है, आई एस है, वी एस है, इसमें दो चीजें हैं, ये कौन है, ये किसके पैरामीटर है, ये कंज्यूमर के पैरामीटर है, किसके पैरामीटर है, कंज्यूमर के पैरामीटर है, और ये वीएस और आईएस किसके पैरामीटर है, सप्लायर के पैरामीटर है, किसके पैरामीटर है, सप्लायर के। अब सर्वे सर्वा कौन होता है, सर्वे सर्वा होता है कंज्यूमर, वो अपने हिसाब से कितनी भी पावर को कंज्यूम कर सकता है, मतलब ये कंज्यूमर होते हैं, ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कैसे होते हैं ये, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सप्लायर के पैरामीटर कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये कंज्यूमर के पैरामीटर के ऊपर। देखो अगर आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो आप लोगों ने जब कभी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, पढ़ा है कभी है? इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका होता है कि जो y है वो x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करेगी x की वैल्यू के ऊपर। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, तो आप बोलो सर y की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे, पहले x की वैल्यू तो पुट करो, मान लो मैंने x की वैल्यू पुट रख दी जीरो, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तीन मिलेगी। मतलब क्या हुआ, मतलब x की वैल्यू आप यहां पे कुछ भी रख सकते हो, जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन टू थ्री कुछ भी रखो, तो जो वैल्यू रखोगे उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू मिल रही है, मतलब y वेरिएबल तो है, y वेरिएबल तो है, y की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने x की वैल्यू कितनी रखी है, और x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब इसमें दोनों ही वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, पर x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, जबकि y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि y जो है वो फंक्शन x का है, x का फंक्शन क्या है, y है, मतलब y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो उसी तरीके से इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको, तो सर मैं इसको यह बोल सकता हूं कि मेरा Vs और Is जो है वो डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, VR और IR के ऊपर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि VS एंड my I of S इज the फंक्शन ऑफ V ऑफ R एंड I ऑफ R, समझ गए या नहीं समझे, मतलब आपके इन दोनों की वैल्यू के ऊपर ये इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करेगी, मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आने वाली है। इन सिस्टम्स के लिए जो पैरामीटर डिफाइन होते हैं उन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं एबीसीडी पैरामीटर।
ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर किसके लिए डिफाइन होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अब देखो यहां पे एक बात और हमेशा समझना, सोर्स का काम होता है हमेशा पावर को सप्लाई करना, सोर्स का काम क्या होता है पावर को सप्लाई करना, और लोड का पावर काम क्या होता है हमेशा पावर को कंज्यूम करना। अब जो इंसान पावर को कंज्यूम कर रहा है वो तो हमेशा उसकी तरफ करंट आएगी, क्या वो कभी पावर को डिलीवर कर सकता है क्या, क्या कभी रेजिस्टेंस पावर को डिलीवर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। मतलब क्या ये मैं ये बोल सकता हूं कि आई ऑफ आर की डायरेक्शन हमेशा यही रहने वाली है, इसी डायरेक्शन में लोड हमेशा कंज्यूम करेगा ही करेगा, बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो अगर सर आप एबीसीडी पैरामीटर लगाओगे तो आप ये बोल सकते हो कि सेकेंडरी साइड करंट की डायरेक्शन हमेशा ये रहने वाली है, क्योंकि सेकेंडरी साइड लगा हुआ होता है लोड, और लोड हमेशा पावर को कंज्यूम करता है सर, वो कभी पावर को डिलीवर नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ओके, तो अगर मैं इस वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके एबीसीडी पैरामीटर लिखूं तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं, पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि I2 करंट आपने ऐसे मानी है ना, एबीसीडी पैरामीटर में करंट कभी अंदर की तरफ होगी ही नहीं, ये करंट ऐसे होने वाली है I, इस डायरेक्शन में, सही बात है, इस डायरेक्शन में होने वाली है I, क्लियर है, बिल्कुल सही है। ओके, ये V1 I1 है, ये V2 I2 है। अगर आपको एबीसीडी पैरामीटर लिखने हैं तो एबीसीडी पैरामीटर में क्या होता है, VS और IS जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं किसके, VR और IR, VR और IR मतलब सेकंड वाले के। तो मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा कि सर V1 एंड I1 जो होंगे एबीसीडी पैरामीटर के लिए वो फंक्शन होंगे, किसके फंक्शन होंगे सर, V2 के एंड I2 के, या आप लिख दो आप I के, क्लियर है, I लिख दो या I2 लिख दो, अभी I लिख दो फिर I2 लिख देना, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम होने वाला है सर, सही बात है। मतलब V1 और I1 की वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो पहले V1 और I1 में से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, V1 की है, कम प्रायोरिटी किसकी है, I1 की है, तो पहली इक्वेशन V1 बनाएगा, दूसरी इक्वेशन I1 बनाएगा, ठीक है। बाद में आपके वेरिएबल कौन बचे, V2 बचा है और I बचा है, बचा है कि नहीं बचा है, बिल्कुल सही है। तो V2 और I सेकंड वाली है, V2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, I2 की कम है। ओके, तो पहले आएगा V2, फिर आएगा आपका I, फिर आएगा आपका V2, फिर आएगा आपका I। आपको क्या लिखने हैं, सिर्फ लिखना है A, B, C और D। बन गई इक्वेशन आपकी, बताओ हो गया आपके एबीसीडी पैरामीटर, बिल्कुल हो गए। लेकिन ये I आपको अटपटा लग रहा है, यहां सबने आपने I2 लिखा था, यहां I लिख दिया। ओके, I2 और I में क्या रिलेशन हो सकता है, एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच में दो करंट है, दो करंट तो हो नहीं सकती है कि ब्रांच में, एक ही करंट हो सकती है, मतलब I का मैग्नीट्यूड I2 के बराबर होगा, ये बात तो सही है। लेकिन इसकी डायरेक्शन है इधर और इसकी डायरेक्शन आपने मानी है इधर, तो आप क्या रिलेशन लिख सकते हो दोनों के बीच में, सर दोनों के बीच में मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं कि I जो होगा वो आपका बराबर होगा माइनस ऑफ I2 के। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड एक है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, रिवर्स डायरेक्शन है, तो नेगेटिव साइन लगा दो आगे, यही हुआ ना मतलब, बिल्कुल सही है। तो I को रिप्लेस कर दो माइनस ऑफ I2 से, तो ये आपकी बन जाएगी एग्जैक्ट इक्वेशन कि V1 आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका AV2 प्लस ये हो गया आपका B, और I को क्या लिख दो, माइनस ऑफ I2 लिख दो, क्लियर है। ओके, I1 जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका CV2 प्लस ये हो जाएगा आपका D, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ I2। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन होते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर में यहां माइनस ऑफ I2 क्यों आता है, तो ये कंफ्यूजन आपका अब क्लियर हो गया होगा कि यहां पे माइनस ऑफ I2 कैसे आ रहा है। अब एबीसीडी पैरामीटर के बारे में थोड़ी और इंटरेस्टिंग कहानी जानते हैं। जैसे किसी भी जो पैरामीटर होते हैं उनके बारे में हम लोग दो थ्योरम्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी थ्योरम होती है, तो सर हमारी जो थ्योरम्स होती है वो थ्योरम्स आपकी डिफाइन होती है अकॉर्डिंग टू, किस किस के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है, वो डिफाइन होती है आपकी दो थ्योरम होती है, एक होती है सिमेट्रिकल थ्योरम, एक होती है रेसिप्रोसिकल थ्योरम, क्लियर है। नहीं है तो रेसिप्रोसिटी क्या होती है और सिमेट्रिविटी क्या होती है, इन दोनों चीजों को जरा हम लोग जरा जान लेते हैं, क्लियर है। नहीं है रेसिप्रोसिटी क्या है और सिमेट्रिविटी क्या है, इन दोनों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो एक एक करके चीजों को समझना शुरू करना। देखो नोट्स आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ओके, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक थ्योरम की। ओके, तो रेसिप्रोकल क्या कहलाता है और सिमेट्रिकल क्या कहलाता है, देखो दो चीजें हैं, समझना ध्यान से, दो चीजें हैं। जैसे भाई रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, एक तो होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्स, और रेसिप्रोकल का मतलब भी होता है उल्टा। उल्टे होने का क्या मतलब है, मतलब अगर तुमने एक चीज, भाई दो पोर्ट आपके पास में, एक पोर्ट नंबर वन एक पोर्ट नंबर टू, ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर बात करोगे सोर्स एंड लोड एंड, इनपुट आउटपुट, क्लियर है,
बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब हाइब्रिड की तरह हो गया एक तरीके से, उल्टा, कि अगर तुमने एक तरफ से इनपुट को ले लिया तो दूसरी तरफ से आउटपुट को लो, एक तरफ से वोल्टेज को उठा लिया तो दूसरी तरफ से करंट को उठाओ। सही बात है, रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब ध्यान से समझना। देखो मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, नेटवर्क है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, समझ गए, और यहां पे एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये दोनों कनेक्टेड है यहां से किससे, एक 10 वोल्ट की बैटरी से। ये आपका सोर्स हो गया, ये जाने वाली करंट सोर्स करंट होगी यहां से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहां पे लोड हो गया, समझना जरा ध्यान से, क्या हुआ है आपका, लोड हो गया, ये आने वाली करंट लोड करंट होगी, आई ऑफ आर बोल देता हूं, और इसके अक्रॉस वोल्टेज को वी ऑफ आर बोल देता हूं। सही बात है, ओके। जब ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से कनेक्टेड होगा, तो ये हो गया आपका इनपुट पोर्ट, ये बीच वाला ये 2 ओम आपके सिस्टम को दिखा दिया, जो आपका बॉक्स बना हुआ होता है, ये बॉक्स है, ये लोड है, ये सोर्स है, ऐसा समझ लो। जब ये इनपुट यहां से कनेक्टेड होगा तो यहां से करंट जाएगी, कितनी करंट जा रही होगी, देखो I की वैल्यू कितनी आएगी, या I ऑफ S की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी सर, ये हो जाएगा आपका 10/2+3 5, मतलब आपकी 2 एम्पीयर की करंट इसमें होते हुए फ्लो हो रही है। कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पीयर की। आपको क्या देखना है, रेसिप्रोकल, मतलब अगर आपने इनपुट में किसको देख रहे हो, ये इनपुट है, आप इनपुट में किसकी बात कर रहे हो, मान लो इनपुट में मैं बात कर रहा हूं किसकी, वोल्टेज की, किसकी बात कर रहा हूं, वोल्टेज की, तो मैं आउटपुट में किसकी बात करूंगा, तो मैं आउटपुट में किसकी बात करूंगा, तो मुझे आउटपुट में एक तो मुझे इनपुट लेना है, दूसरा अपोजिट साइड का हाइब्रिड की तरह है, आउटपुट लूंगा, यहां वोल्टेज को लिया है तो वहां किसको लूंगा, करंट को लूंगा, आउटपुट में मैं किसकी बात करूंगा, करंट की बात करूंगा, मतलब मुझे आई ऑफ आर जो मिला है वो कितना मिला है, 2 एम्पियर मिला है, कितना एम्पियर मिला है, 2 एम्पियर मिला है। बताओ कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। तो मैंने क्या देखा, इनपुट और आउटपुट, इनपुट को आप क्या बोल सकते हो, एक्साइटेशन भी बोल सकते हो, आउटपुट को आप क्या बोल सकते हो, रेस्पॉन्स भी मिल सकते हो, कि मैंने इतना एक्साइटेशन दिया तो मुझे रेस्पॉन्स कितना मिला। तो मैंने क्या किया, यहां पे चेक किया किसका रेशियो, रेस्पॉन्स का चेक हो, और मैंने किसका रेशियो, एक्साइटेशन का रेशियो, या आप क्या बोल सकते हो, मैंने चेक किया क्या, आउटपुट डिवाइड बाई मैंने क्या किया, इनपुट को चेक किया, ओके। अब अगर मान लो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं क्या कर दूं, अगर मान लो इस लोड की जगह मैं लगा, ये आपका 2 ओम ऐसे कैसे ही है, ओके, इस लोड की जगह अगर मैंने लगा दी यहां पे बैटरी, और यहां पे जहां पे सोर्स लगा हुआ था वहां पे मैंने लगा दिया लोड, तो अगर मैंने ये 3 ओम का लगा दिया यहां, 2 ओम का लगाया मैंने यहां, सही बात है, नहीं है, तो क्या किया, सोर्स की जगह मैंने लोड को रख दिया, सिस्टम 2 ओम ऐसे कैसे ही है, लोड की जगह मैंने क्या रख दिया, सोर्स को रख दिया, और ये आपका वही 10 वोल्ट की बैटरी है। और अब अगर मैं देखूंगा, अब अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं, तो फिर से इधर करंट जाएगी, वही करंट जाएगी 2 एम्पियर। अब अगर मैं वापस से सोर्स का और लोड का अगर एक्साइटेशन का रेशियो देखूं, तो यहां पे 2 एम्पियर की करंट जा रही है। फिर से मैं दोनों का रेशियो देखूंगा, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, 2/10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रेस्पॉन्स 2 है, एक्साइटेशन आपका 10 है, यहां पे आपका एक्साइटेशन 10 था, रेस्पॉन्स आपका 2 था, यहां भी 2/10 मिला, मिला या नहीं मिला। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने लोड को रख दिया सोर्स की जगह, सोर्स को रख दिया लोड की तरह, अगर मैं लोड और सोर्स को इंटरचेंज कर दूं, फिर भी मेरे रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन का जो रेशियो है, अगर वो चेंज नहीं होता है, अगर वो क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तो मतलब आपका जो नेटवर्क होगा वो नेटवर्क आपका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा, वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। समझ में आया, अगर आपने एक्साइटेशन में वोल्टेज लिया है तो रेस्पॉन्स में आप करंट लो, अगर आपने एक्साइटेशन में करंट ली है तो आप रेस्पॉन्स में वोल्टेज देखो। क्लियर है या नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अब देखो जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं, पहले एक एक्साइटेशन डिसाइड कर लो, बताओ एक्साइटेशन क्या मानोगे, इनपुट पे वोल्टेज को या करंट को। ठीक है, मैंने वोल्टेज को एक्साइटेशन मान लिया, ठीक है सर, ये हो गया मेरा वोल्टेज एक्साइटेशन, तो रेस्पॉन्स आउटपुट साइड में मानना पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट साइड में किसको मानू, तो अगर एक्साइटेशन वोल्टेज माना है तो रेस्पॉन्स क्या मानो, करंट मानो, ठीक है सर, I2, मतलब मैंने रेशियो देख लिया, ये किसका रेशियो हो गया, देखो रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो हो गया। इसमें आपने एक्साइटेशन कहां माना है, इनपुट साइड पे, रेस्पॉन्स कहां माना है, आउटपुट साइड पे, क्लियर है, ओके।
अब अगर मैं इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दिया का क्या मतलब है, पहले मैंने एक्साइटेशन इसको माना था, रेस्पॉन्स इधर मान रहा था, अब मैं एक्साइटेशन इधर मान लेता हूं, रेस्पॉन्स उधर मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं एक्साइटेशन मान लेता हूं किसको, V2 को, ठीक है सर। मान लो मैंने एक्साइटेशन क्या मान लिया, V2 को मान लिया, ठीक है। अब मैं रेस्पॉन्स मान लेता हूं, इधर वाली करंट क्या मान ली, I1 मान ली। अब अगर मैंने रेस्पॉन्स क्या मान लिया, I1 मान लिया, अगर ये दोनों रेशियो अगर आपके सेम आ जाए तो मतलब आपका नेटवर्क रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है, नहीं है। और इसको देखो, अब यहां पे दो कंडीशन है, इसको आप सिंपल बनाने के लिए और क्या कर सकते हो, देखो आपने V1 अपॉन I2 ले लिया, आप यहां पे क्या कर सकते हो, I2 अपॉन V1 लिया है ना आपने, तो I2 लिया, आप इस V2 की वैल्यू को जीरो मान सकते हो सिंपल बनाने के लिए। आप बोलोगे सर क्यों मानूं, मेरा तो मन नहीं है, बोल सकते हो भाई क्यों मानूं, आपका मन नहीं है, सही बात है। अरे आप रेस्पॉन्स देख रहे हो, किसको देख रहे हो, I2 को देख रहे हो, अगर आप V2 से भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इस V2 की वैल्यू को जीरो मानोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपकी जो करंट आएगी वो करंट आपकी अच्छे से फ्लो होगी, तो आपको रेस्पॉन्स एग्जैक्टली दिखेगा, सही बात है कि नहीं है, ओके। तो व्हेन V2 अपॉन I2, व्हेन योर V2 इक्वल्स टू जीरो, ये बोल सकते हो आप, या यहां ये बोल सकते हो I1 अपॉन V2 व्हेन योर V1 equals to zero, तो ये आपका बड़ा सिंपल हो जाएगा और आपको इजीली तरीके से आंसर मिल जाएगा, सही बात है, नहीं है भाई। आप रेस्पॉन्स देख रहे हो, अगर आप रेस्पॉन्स पे करंट को देख रहे हो, अगर आप रेस्पॉन्स पे करंट को देख रहे हो तो वोल्टेज को जीरो कर लो, अगर आप रेस्पॉन्स पे वोल्टेज को देख रहे हो तो करंट को जीरो कर लेना, सही बात है, नहीं है। मतलब इसके अलावा और आप क्या फंडा बना सकते हो, इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्या सर यही हो सकता है क्या, नहीं और ले ले, दूसरा ले ले, क्या कर, मान लो आपका मन नहीं किया कि सर मैं तो ये नहीं बनाऊंगा, मैं तो एक्साइटेशन करंट को मानूंगा, ठीक है, एक्साइटेशन करंट को मान लो, I1 को मान लिया मैंने एक्साइटेशन, ठीक है। रेस्पॉन्स अपोजिट लो, क्या ले लो, वोल्टेज ले लो। अब वोल्टेज ले लिया आपने V2, वोल्टेज अच्छा कम मिलता है ओपन सर्किट में, करंट अच्छी कम मिलती है शॉर्ट सर्किट में, तो जब मैंने रेस्पॉन्स I2 लिया तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, मतलब V2 की वैल्यू को मैंने जीरो कर दिया। अब मैं रेस्पॉन्स ले रहा हूं V2 को, तो मैं क्या करूं, ओपन सर्किट कर लूं, मतलब I2 की वैल्यू को मैं जीरो कर लेता हूं, ओपन हो जाएगा तो I2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इजी पड़ जाएगा आपके लिए, ओके, इक्वल्स टू। और क्या कर सकते हो, आपने एक्साइटेशन किसको लेना है, अब करंट को लेना है, ठीक है, I2 को ले लिया एक्साइटेशन, रेस्पॉन्स आप क्या ले रहे हो, वोल्टेज ले रहे हो, इधर का वोल्टेज कितना है, V1 है भाई, ठीक है। V1 वोल्टेज अच्छा कब मिलेगा, जब ओपन सर्किट रहेगा, रेस्पॉन्स ओपन सर्किट में, मतलब I1 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, जीरो लेनी पड़ेगी। अब देखो आप इससे कैलकुलेट करो चाहे आप इससे कैलकुलेट करो, दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, सही बात है कि नहीं है। आपके माइंड में थोड़ा क्लियर होनी चाहिए कि कहने का मतलब क्या है, अगर आपके मतलब क्लियर है ना तो फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बना रहे हो, सही बात है नहीं है, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा भाई। आपके दिल में आपका, आप सही तरीके से अगर चल रहे हो तो कभी आपके साथ में गलत नहीं होगा, सब कुछ आपको सही मिलेगा, ठीक है। जैसे पहले इससे चेक कर लेते हैं फिर उससे भी चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले देखो I2 अपॉन V1, देखो जब V2 की वैल्यू जीरो हो जाए तो आपकी इक्वेशन कहां है भाई, इक्वेशन पे जाओ, ये रही इक्वेशन आपकी, क्या करना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू को जीरो पुट करना है। तो पहले V2 की वैल्यू को जीरो पुट करो, ये मान लो V2 यहां आ रहा है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है I2 अपॉन V1, ठीक है। तो I2 और V1 का रिलेशन कहां पे है, I2 ये रहा, V1 ये रहा, और V2 की वैल्यू को जीरो पुट करना है। इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करो, क्या इक्वेशन है, तो आपकी इक्वेशन है कि V1 इक्वल्स टू ए V2 प्लस बी, और यह है माइनस ऑफ I2, ये इक्वेशन है ना, ओके। इसमें आपको क्या करना है, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं फिर इसको करूंगा, ठीक है। पहले इसको करो, अगर मान लो आपने इसमें V2 इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो यहां क्या मिला है, ये मिलाएगा आपका V, ये हो गया जीरो इक्वल टू B, और ये मिल गया आपको माइनस ऑफ I2। आपको क्या निकालना था, I2 अपॉन V1, ठीक है, I2 ये रहा, V1 को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, B उधर पहुंच जाएगा, माइनस का वन अपॉन V, और ये आपका बन जाएगा I2 अपॉन V1, ये आपको मिल गया I2 अपॉन V1 जब आपने V2 की वैल्यू को जीरो पुट किया, तो आपको ये इसकी वैल्यू मिल चुकी है, क्लियर है, ओके। अब इसकी ओर निकालनी पड़ेगी, I1 अपॉन V2 व्हेन V1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो I1 और V2 में रिलेशन देखना है, I1 और V2 ये दे रहा है, जब आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, V1 की वैल्यू जीरो पुट करनी है, ठीक है, V1 ही है ना, ओके। तो V1 की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो आपको I2 में और V2 में और I1 में रिलेशन चाहिए, ओहो जबरदस्त हो गया, तो दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। देखो इधर चलो, क्या कहानी है भाई, आपको पहले तो निकालना क्या है उस पे जाओ, कहां पे है, I1 अपॉन V2 निकालना है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी सर, इक्वेशन थी V1 इक्वल्स टू, और ये था आपका I1 इक्वल्स टू, ये है आपका AV2 प्लस
यह है आपका बी और यह है माइनस ऑफ आई टू। ठीक है, देखो क्या पुट करना है। सर मुझे पुट करना है v1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये मैं पुट कर रहा हूं क्या v1 इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो पुट की, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया आपका av2 प्लस ये हो गया आपका b और ये हो गया माइनस ऑफ i2। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि मेरा av2 इक्वल टू योर bi2 के बराबर हो गया है। ठीक है, ओके पीछे चलो, क्या पूछ रहा है वो v1 और iv2 के, ओके, और v1 की वैल्यू जीरो रखनी है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये बन गया। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, दूसरी होती है सर i1 इक्वल टू cv2 प्लस योर d एंड माइनस ऑफ i2। बताओ यही होती है कि नहीं होती है, कंफ्यूजन तो है ही नहीं, कुछ सब कुछ क्लियर है। v1 की वैल्यू जीरो पुट करनी है, करो, v1 तो इसमें कहीं है ही नहीं। ओके, रिलेशन किस किस में चाहिए? सर मुझे रिलेशन चाहिए i1 में और v2 में। ठीक है, तो यहां पे i1 मिल रहा है, v2 मिल रहा है, लेकिन ये i2 मिल रहा है। ओके, इस i2 को हटाना है यहां से। ठीक है, इस i2 को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, देखो ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका v2 माइनस ये हो गया आपका d, और i2 की वैल्यू क्या रख सकते हो, इस b को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन b और ये बन जाएगा आपका v2। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। इधर क्या है आपका, इधर है आपका i1। ठीक है सर, ये हो गया मेरा i1 इक्वल टू क्या बना बेटा, इधर बन गया c माइनस ये क्या बन गया ad अपॉन b और ये क्या रह गया आपका, ये रह गया आपका v2। क्या निकालना था आपको, आपको निकालना था i1 अपॉन v2। i1 ये रहा, v2 ये रहा, लाके डिवाइड कर ले i1 अपॉन v2, इसको कॉमन एलसीएम भी ले ले, सी ले ले, तो ये कितना बन जाएगा cb माइनस ad। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, सही है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई आपको। इक्वेशन नंबर 1 कहां मिल गई थी, ये मिल गई थी, कहां थी, यही थी ना, हाँ, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई थी। देखो इसको, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों को बराबर करना है आपने, तो दोनों को बराबर कर लो, 1 = 2 करना है आपको। तो 1 का क्या रिजल्ट मिला था, 1 अपॉन b, और इसका रिजल्ट क्या मिला है, ये मिला है 1 अपॉन b, नहीं -1 अपॉन b मिला है। ठीक है, तो ये मिला है -1 अपॉन b इक्वल टू, ये मिला है आपको cb माइनस ad डिवाइड बाई b। देखो यार सिंपल सी कहानी है, ये b से b तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, इस माइनस को उधर ले जाऊंगा तो मैं रिजल्ट यहां लिख देता हूं आप, ठीक है, देख लो बोल्ड में यहां लिख देता हूं, ये माइनस उधर जाएगा, तो जो cb माइनस ad है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ad माइनस bc इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि रेसिप्रोसिटी की थ्योरम को अगर आपको सोल्व करना है तो वो रेसिप्रोकल तब होगा जब AD माइनस BC की वैल्यू आपकी कितनी के बराबर आ जानी चाहिए, 1 के बराबर आ जानी चाहिए। अगर वो 1 के बराबर आ गई तो इसका मतलब आपका सिस्टम रेसिप्रोकल है। ओके, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इससे कैलकुलेट करके चेक करना है क्या AD माइनस BC ही आ रहा है क्या। बिल्कुल आपका AD माइनस BC ही आएगा, ये भी इससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो AD माइनस BC इक्वल टू आपको 1 ही मिलने वाला है। क्लियर है, नहीं है? तो ये आपकी कंडीशन होती है एक रेसिप्रोकल सिस्टम की। अगर रेसिप्रोकल हुआ तो ये सिस्टम आपका सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनो जरा ध्यान से। एक थ्योरम हो गई आपकी रेसिप्रोकल, ठीक है, दूसरी थ्योरम के लिए बात करते हैं। दूसरी होती है आपकी सिमेट्रिक थ्योरम। ये सिमेट्रिक किस चीज की बात करती है यार, सिमेट्रिकल का मतलब तो मैं समझता हूं, सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, एक जैसा। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, एक जैसा। एक जैसा का क्या मतलब हुआ, एक जैसा का मतलब हुआ एक मेरा ये हैंड है, दूसरा ये हैंड है, मैंने दोनों को देखा, मुझे एक जैसा दिखा, बराबर पांचों उंगलियां, एक जैसा बिहेवियर है। ठीक है, मतलब एक जैसा होना चाहिए, मतलब किसी चीज को मैंने इधर से देखा तो भी वैसी दिखी, मैंने इधर जाके देखा तो भी वैसी नजर आ रही है। ओहो, मतलब कहीं से भी देखो, किसी भी एंगल से देखो, आपको चारों तरफ से एक जैसी दिख रही है। सही बात है कि नहीं है? ओके, मतलब मान लो ये पेन है, ये देखो यहां से लेके यहां तक एक जैसा दिख रहा है मुझे, बिल्कुल एक बनावट है, एक जैसा मटेरियल, सब कुछ एक जैसा है, बिल्कुल पूरा बराबर है कि नहीं है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो इसका आधा पोर्शन भी एक जैसा रहेगा, बिल्कुल बराबर बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल। मतलब अगर कोई चीज एक जैसी है और अगर आप उसको बीच में से काट दो तो वो बराबर बराबर इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि उसको इधर से देखो या इधर से देखो, किसी भी तरफ से देख लो, आपको वो एक जैसा नजर आएगा। जैसे कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जरा आप खुद देख लो। मान लो ये एक, मैंने एक नेटवर्क बना दिया, जरा ध्यान से देखो, ये एक नेटवर्क बना दिया मैंने इस तरीके का, ये एक नेटवर्क बना दिया मैंने इस तरह का। देखो जरा
क्या ये नेटवर्क सिमेट्रिकल है क्या, आप बताना मुझे। मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, बताओ ये सिमेट्रिकल है क्या। सिमेट्रिकल है क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या अगर मैं इसको कहीं से काट दूं तो क्या ये दो बराबर पार्टों में बट सकता है क्या। बिल्कुल बट सकता है सर, इसको आप यहां से काट दो, इस 5 ओम के ऊपर से काटो, इधर भी 2 ओम इधर भी 2 ओम, बट गया दो बराबर पार्टों में, बिल्कुल बट रहा है, मतलब सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल है। या आप क्या करो, इधर से देखो, इधर से देखोगे तो आपको ये 2 और 5 दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और जब आप इधर जाके देखोगे तो भी आपको ये 2 और 5 इसी तरीके से दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा, इधर से देखो या इधर से देखो एक जैसा दिख रहा है, मतलब आपका सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल है। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो ये एक सिस्टम है, हैं, ये सिस्टम आपने कुछ ऐसा बना दिया, देखो जरा, आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, क्लियर है, देखो आपने इसको मान लो ऐसा बना दिया, एक सिस्टम है आपका, ये लो मान लो ये ऐसा है, ठीक है, ये मान लो आपका 2 ओम है, ये मान लो आपका 2 ओम है, ये मान लो आपका 3 ओम है, ये मान लो आपका 3 ओम है, और ये मान लो आपका 4 ओम है, बताओ ये सिस्टम क्या सिमेट्रिकल है क्या। क्या मैं इसको दो इक्वल पार्ट में काट सकता हूं क्या, बिल्कुल काट सकता हूं सर, ये 4 ओम है ना, एक काम करो इस 4 ओम को तोड़ दो आप, क्लियर है, तोड़ो जरा, कैसे तोड़ोगे सर, इस 4 ओम को हटाओ यहां से, ओके, और इस 4 ओम की जगह आप इसको दो पार्ट में इस तरीके से तोड़ दो, 2 और 2, इसको लिख लो 2 ओम, इसको लिख लो 2 ओम, अब इसको काटो यहां बीच में से, बताओ बराबर बराबर पार्ट में बटा या नहीं बटा, बिल्कुल बट रहा है, हैं, और आपको देखने से भी लग रहा था, इधर से देखते तो भी एक जैसा ही दिख रहा है, इधर से देखते तो भी एक जैसा ही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब आपका सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, क्लियर है, नहीं है, मतलब कहानी क्या है, ऐसा पोर्शन जिसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड किया जा सके, या ऐसा पोर्शन जिसमें इधर से देखो या इधर से देखो कहानी एक जैसी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ बेटा कि चाहे तू इधर से इनपुट अप्लाई करके देख या तू इधर से इनपुट अप्लाई करके देख, सही बात है, नहीं है, कोई सी भी डायरेक्शन इनपुट लगा के देख ले, दोनों तरफ तेरा बिहेवियर एक जैसा रहने वाला है, बिहेवियर चेंज होगा ही नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इधर से देखेगा तो भी वैसा ही दिख रहा है, इधर से देखेगा तो भी वैसा ही दिख रहा है, सही बात है, नहीं है, बिल्कुल क्लियर की बात है। मतलब ये तो ना इनपुट के ऊपर ही बात कर लेता है, ये तो दूसरी जगह पे जा ही नहीं रहा, ये तो इनपुट की बात कर रहा है, आप V1 I1 यहां लगा दो या आप V1 I1 यहां लगा दो, बिहेवियर आपका एक जैसा ही रहने वाला है, इस चीज की ये बात कर रहा है, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल यही है। मतलब आप इनपुट को आउटपुट साइड लगाओ या प्राइमरी साइड लगाओ या सेकेंडरी साइड, मतलब आप पोर्ट 1 पे लगाओ या पोर्ट 2 पे लगाओ, क्लियर है, बिहेवियर एक जैसा ही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो भाई, जो कहना चाहते हो अब उसको हम जो है हमारे फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। देखो जरा सिस्टम कैसा है आपका, सर सिस्टम हमारा ये रहा, मेरा सिस्टम यहां पोर्ट 1 पे मैं इनपुट लगाऊं या पोर्ट 2 पे मैं इनपुट लगाऊं, सही बात है, नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं सर कोई सी भी जगह पोर्ट लगा दो, आप पोर्ट 1 पे लगाओ, पोर्ट 2 पे चलाओ, डजंट केयर, कहीं भी लगा दो, कहीं भी आप इनपुट को लगाओ, आपके सिस्टम का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, एक जैसा रहेगा। ओहो ये बात है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो जरा, मान लो भाई मैंने इनपुट पे साइड पे पोर्ट लगा दिया, पोर्ट 1 पे मैंने इनपुट लगाया, तो पोर्ट 1 पे क्या लगाया आपने, वोल्टेज V1, करंट आएगी कितनी, I1, ओके, तो अगर मैंने दोनों का रेशियो देखा, V1 अपॉन I1, I1 अपॉन V1 करो या V1 अपॉन I1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इन दोनों का मैंने रेशियो देखा, ओके, तो ये रेशियो आप पोर्ट 1 पे लगाओ या पोर्ट 2 पे लगाओ, पोर्ट 2 पे क्या लगा हुआ है, पोर्ट 2 पे क्या लगा हुआ है, पोर्ट 2 पे आपके लगे हुए हैं V2 और I2, आप इसको इनपुट मानो या इसको इनपुट मानो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ एक जैसा है। ओहो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप V1 अपॉन I1 देखो या आप V2 अपॉन I2 देखो, अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब सिस्टम सिमेट्रिकल है, सही बात है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करूं, कुछ इजी कर लेते हैं, किसी की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, किसकी वैल्यू 0 मानूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको फंडा बता देता हूं। देखो जब आप देख रहे हो V1 अपॉन I1, तो इन दोनों का रेशियो तो आप ले रहे हो, तो इन दोनों में से किसी एक को 0 मान लो, आप V2 को मान लो, I2 को मान लो, आप बोलो सर किसको मानूं और क्यों मानूं, I2 को मानूं या V2 को मानूं, अरे जो आपकी मर्जी हो उसको मान लो, मान लो आपने V2 को मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां वोल्टेज को मान लिया तो यहां भी वोल्टेज को ही मान ला। आप बोलोगे सर कोई लिखा हुआ है क्या कि वोल्टेज को ही मानना है, करंट को नहीं मान सकता क्या, बिल्कुल मान सकता है, तेरी मर्जी है, मान ले करंट को, मान लेना V1 अपॉन I1 निकाल लेना, क्या करना, करंट को 0 मान लेना, I2 को 0 मान ले, ओके, V2 अपॉन I2 निकाल ले, क्या कर, करंट को 0 मान ले, I1 को 0 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे जो रिजल्ट आएगा वही उससे रिजल्ट आएगा, है?
अरे भाई ये तो आप लोगों ने सावधानी मतलब आपकी सोल मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए माना है ना जीरो, तो आप ये मान लो चाहे वो मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आई टू आई आई वन को मान लो या बी टू बी वन को मान लो, दैट्स इट, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए। चलो जरा चेक करते हैं। देखो सबके पहले आते हैं पहले नंबर पे, क्या करना है सर, V2 की वैल्यू को जीरो पुट करना है। ठीक है, V2 की वैल्यू को जीरो पुट करना है और V1 और I1 में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो सबके पहले तो V1 इक्वल टू क्या होता है सर, V1 इक्वल टू होता है AV2 प्लस B और ये होता है माइनस ऑफ I2। अब इसकी वैल्यू को कितना रखना है, जीरो रखना है, तो इसको जैसे ही मैंने जीरो रखा तो V1 की वैल्यू, V2 को जीरो किया तो ये कितना मिल गया, B इंटू माइनस ऑफ I2 मिल गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो V1 अपॉन I1 चाहिए ना। ओके, तो मुझे I1 वाली इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी, क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV2 प्लस D इंटू माइनस ऑफ I2, बताओ है कि नहीं है। ओके, ये ब्रैकेट है। ओके, V2 की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो I1 आपको क्या मिल जाएगा सर, ये जीरो हो गया तो ये आपको मिल गया D इंटू माइनस ऑफ I2। ठीक है, आपको V1 और I1 में चाहिए था ना, तो एक काम करो ये माइनस ऑफ I2 की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो माइनस ऑफ I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 अपॉन D। भाई माइनस ऑफ I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 अपॉन D। ठीक है, जरा आगे ले लेते हैं, ये हो गया आपका V1, ये हो गया V1 इक्वल टू B और ये देखो माइनस ऑफ I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 अपॉन D के बराबर हो जाएगी। लिख दो डायरेक्ट, I1 अपॉन D के बराबर हो जाएगी। आपको क्या निकालना था, V1 अपॉन I1। ठीक है, तो ये हो गया आपका V1, ये हो गया अपॉन I1, जब आपने V2 की वैल्यू को मान लिया था जीरो तो ये आपको मिल गया B अपॉन, ये आपको मिला है D, B अपॉन D मिला है भाई आपको, सही बात है। ओके, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर वन। अब आगे चलो, दूसरा आपको क्या निकालना है सर, मुझे दूसरा निकालना था, पीछे आओ, ये रहा V2 अपॉन I2 निकालना है जब V1 की वैल्यू जीरो रखनी है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, V1 इक्वल टू AV2 प्लस B और माइनस ऑफ I2, क्या जीरो रखना है, जीरो रखना है V1 की वैल्यू को। ठीक है, V1 की वैल्यू को मुझे जीरो रखना है, जीरो रखा तो ये आपको मिल गया AV2 इक्वल टू BI2, यही मिलेगा ना, देख लो सही है, इसको जीरो रख दिया, इसको इधर ले आया, तो AV2 इक्वल टू BI2, निकालना क्या था, V2 अपॉन I2। ओके, तो V2 कहां है, ये रहा, I2 कहां है, ये रहा, इसको इधर ले आओ, ये बन गया V2 अपॉन I2, ये A इधर चले जाएगा, ये बन जाएगा B अपॉन A, ये इक्वेशन नंबर टू। अगर सिस्टम सिमेट्रिकल है तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, सही बात है। तो फॉर सिमेट्रिकल क्या होना चाहिए, फॉर एक सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन नंबर वन मस्ट बी इक्वेशन नंबर टू, बता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर वन क्या दे रही है, बी अपॉन डी, इक्वेशन नंबर टू क्या दे रही है, बी अपॉन ए, यही दे रही है कि नहीं दे रही है, बिल्कुल दे रही है, ये बी से बी कैंसिल आउट हो गया, हो गया, तो क्या मिल गया आपको, ये मिल गया A इक्वल टू D मिल गया। मतलब अगर आपका कोई सिस्टम सिमेट्रिकल है तो उसके एबीसीडी पैरामीटर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो सर एबीसीडी पैरामीटर की कंडीशन ये है कि उसका A इक्वल टू D होना चाहिए। और अगर सिस्टम रेसिप्रोकल है तो क्या होना चाहिए, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू वन होनी चाहिए। समझ में आया क्या, एबीसीडी पैरामीटर से समझ में आए क्या, बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे कि एक एबीसीडी पैरामीटर्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, मजा आया, इंटरेस्टिंग है कहानी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ये आपके एबीसीडी के पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से आपके डिफाइन किए जाते हैं, क्लियर है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बिहेवियर बताता हूं, बस समझते हुए चलो, मजा आता रहेगा। ठीक है, ओके, देखो अब थोड़ा एक नया लेवल, देखो उसको नाम देते हैं, एक आपका टॉपिक है कैस्केड कनेक्शन, क्या बोलते हैं, कैस्केड कनेक्शन। सब सबसे पहले तो ये बताओ ये कैस्केड कनेक्शन होता क्या है, सही बात है भाई, कैस्केड कनेक्शन होता क्या है भाई, पैरेलल तो सुना था, सीरीज तो सुना था, हैं सीरीज तो सुना है कि मान लो एक ही रेजिस्टेंस है, हैं, और इसी के सीरीज में मैंने दूसरा लगा दिया तो ये सीरीज हो जाता है, मतलब सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। पैरेलल कुछ ऐसा होता है कि ये पैरेलल, दोनों पैरेलल हो गए, मतलब इनमें वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है और करंट डिवीजन होता है, इसमें करंट की वैल्यू सेम होती है और वोल्टेज का डिवीजन होता है। सर ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर कैस्केड क्या होता है बेटा, कैस्केड कनेक्शन ना, कैस्केड कनेक्शन आपके पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। क्यों यूज होता है, कैस्केड कनेक्शन का मतलब यह है कि अगर मान लो आपके पास में दो सिस्टम है, सिस्टम नंबर वन और सिस्टम नंबर टू, और उन दोनों को आप लोगों ने कनेक्ट किया है और इस तरीके से कनेक्ट किया है कि सिस्टम नंबर वन का आउटपुट
सिस्टम नंबर टू के लिए इनपुट का काम करे। मतलब सिस्टम नंबर वन का आउटपुट को आपने सिस्टम टू का इनपुट बना दिया, तो उस तरह का कनेक्शन आपका क्या कहलाता है? कैस्केड कनेक्शन कहलाता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन लाइन में ये कहां यूज हुआ? देखिए यार, यहां पे है आपका जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, ये यहां से पावर को भेज दिया इस लोड के पास में। अब लोड मान लो इतनी पावर को कंज्यूम नहीं कर पाया, तो इस लोड ने इस पावर को आगे भेज दिया। तो क्या मतलब हुआ भाई? इस लोड ने क्या कर दिया? यहां से आपने सिस्टम में इनपुट दिया, इसको ये मिला आउटपुट, और इस आउटपुट ने आगे भेज दिया, तो ये आगे वाले के लिए ये क्या बन गया? इनपुट बन गया। तो मतलब कनेक्शन कैसा हो गया? कैस्केड हो गया। ये ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, ये कैस्केड कनेक्शन कहलाता है। सही बात है, नहीं है कि पहले का आउटपुट दूसरे के लिए क्या बन जाए? इनपुट बन जाए। तो कनेक्शन आपका कैसा कहलाएगा? कैस्केड कनेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एबीसीडी पैरामीटर्स में आपके कैस्केड कनेक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एबीसीडी पैरामीटर में कैस्केड कनेक्शन पाए जाते हैं। ओके, सुनो अब जरा ध्यान से, देखो किस तरह का कनेक्शन होगा। अब आपको यह तो पता लग ही गया कि दो सिस्टम बनने हैं, ठीक है, दो सिस्टम बनने हैं, एक सिस्टम यह हो गया, ओके, और दूसरा सिस्टम आपका यह हो गया, और पहले के आउटपुट को दूसरे का इनपुट बना देना है। सही बात है। तो मान लो ये आपका एक नेटवर्क है, तो ये कैस्केड कनेक्शन किसमें पाए जाते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर कौन से होते हैं? एबीसीडी पैरामीटर होते हैं। मान लो ये सिस्टम नंबर वन है, ये सिस्टम नंबर आपका टू है, पहले सिस्टम के एबीसीडी पैरामीटर आपके ए वन, बी वन, सी वन और डी वन है, दूसरे वाले के आपके ए टू, बी टू, सी टू और डी टू है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ओके। पहले वाले को मैंने यहां से ये इनपुट दे रहा हूं, मैं ये इनपुट दे दिया, मान लो मैंने यहां पे ये दिया है मैंने V1, और इसमें ये करंट है आपकी कितनी? I1, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। और ये आपके फाइनल आउटपुट हो गए, फाइनल आउटपुट को मान लो मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया आपका क्या? V2, और ये फाइनल आउटपुट हो गया आपका I2, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ऐसा कैसा बिहेवियर होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी करंट इधर साइड एक्शन में होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। आगे चलो, आगे चलोगे तो यहां से आप लोगों ने पहले वाले को इनपुट दिए, ये यहां से आउटपुट मिलेगा, तो इसके आउटपुट को मैं नाम दे देता हूं, चलो इसके आउटपुट को नाम दे देता हूं, मैं इसको बोल देता हूं वी वन डेस, और इसकी करंट को मैं नाम दे देता हूं आई वन डेस, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। यहां पे इसके इनपुट को मैं नाम दे देता हूं, ये सेकंड है ना, तो इसको नाम दे देता हूं मैं V2 डेस, और इसको नाम दे देता हूं मैं I2 डेस, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल सिस्टम क्या बन चुका है? मैं यहां से चेक करता हूं और यहां तक लेता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों सिस्टम है, तो आपका ओवरऑल इनपुट ये है और आपका फाइनल आउटपुट आपको यहां जाके मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों के पैरामीटर समझ में आ गए? बिल्कुल समझ में आ गए। देखो V1 फाइनल इनपुट, ओके, V1 I1 और फाइनल आउटपुट V2 I2, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, तो पहली बात तो आपको ये दिख रहा है क्लियर कि V1 डेस की वैल्यू V2 डेस के बराबर है। देखो ना यार, दोनों ऐसे ही लगे हुए हैं ना पैरेलल में, बिल्कुल। और I1 और I2 में दोनों एक ही ब्रांच में करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा I1 और I2 के रिलेशन? कि I1 डेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ I2 डेस हो जाएगा। यहां तक तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ आप लोगों को, सब कुछ बड़ा क्लियर है, प्यार से क्लियर है, ठीक है। तो एबीसीडी पैरामीटर के बारे में जान लेते हैं, पहले ट्रांसमिशन लाइन वन के, सिस्टम वन के लिए लिखते हैं, क्या रिलेशन है? देखो इनपुट है सर वी वन आई वन, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। पैरामीटर कौन कौन से हैं? ए वन, बी वन, ठीक है, सी वन, डी वन, ओके। आउटपुट में क्या क्या होता है? V2 और माइनस I2 होता है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसका आउटपुट क्या है? V1 डेस है और I1 डेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका V1 डेस और माइनस ऑफ I1 डेस। ABCD पैरामीटर में माइनस आता है ना, माइनस I2 था, सही बात है कि नहीं है? ओके, ये हो गया इसका। अब दूसरे वाले सिस्टम की बात करूं तो दूसरे वाले सिस्टम में आपका इनपुट है ये और आउटपुट है वो, ठीक है। तो इनपुट क्या है? V2 डेस और I2 डेस, ओके। तो इनपुट है मेरा V2 डेस और I2 डेस, ठीक है। और पैरामीटर आपके कौन से हैं? पैरामीटर है सर मेरा A2, B2, C2 और D2, बिल्कुल क्लियर है। और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है भाई आउटपुट में? देख लो, V2 और I2, I2 इधर है तो माइनस I2 लिखना पड़ेगा, V2 और माइनस ऑफ I2, बताओ यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, सही बात है, ओके। अब यार एक चीज को देखो, आपको क्या पता है कि V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? V1 की वैल्यू को
V1 की वैल्यू आपकी किसकी बराबर है? V2 के बराबर है, मतलब V1 डेज की वैल्यू V2 डेज के बराबर है। दूसरी, I2 डेज की वैल्यू माइनस ऑफ I1 के बराबर, I1 डेज के बराबर है। अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, लिखी है कि नहीं लिखी है? तो एक बात बताओ, इस V1 डेज को मैं V2 डेज लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस I2 डेज को मैं I1 डेज लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जब इन दोनों की वैल्यू इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो क्यों ना इसकी वैल्यू उठा के मैं ये वाली वैल्यू डाल दूं? डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकता हूं सर। तो यहां पर क्या बन गया आपका, देखो ओवरऑल ये हो गया आपका V1 I1, ठीक है? ओके, यहां से पहले के पैरामीटर क्या है? A1 B1 C1 D1, बिल्कुल क्लियर है? ओके, आगे चलो। अब आगे आपका क्या था? आगे आपका V1 डेस और I1 डेस था, और ये किसके बराबर है? V1 डेस V2 डेस के बराबर है, और माइनस I1 डेस I2 डेस के बराबर है। तो क्यों ना इस मैट्रिक्स की जगह उठा के इस मैट्रिक्स की पूरी वैल्यू डाल दूं मैं? तो ये वैल्यू क्या है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है सर? ये है A2 B2 C2 D2। ओके, ये हो गया आपका A2 B2 C2 और D2, और फाइनल क्या बचा आपका? ये बच गया V2 और माइनस ऑफ I2। ये क्या बच गया? V2 और माइनस ऑफ I2। अरे ये आपका क्या है सर? ये तो ओवरऑल इनपुट है मेरे सिस्टम के। ओहो, ये आपके ओवरऑल क्या है? आउटपुट है मेरे सिस्टम के। बिल्कुल सिस्टम है। तो ये क्या हुआ कि अगर दो सिस्टम कैस्केड में लगे हुए हो, तो उनके ओवरऑल एबीसीडी पैरामीटर उन दोनों सिस्टम के एबीसीडी पैरामीटर की मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो सिस्टम के स्केड में लगे हुए हैं, तो ओवरऑल एबीसीडी पैरामीटर दोनों सिस्टम की पैरामीटर की जो मैट्रिक्स होती है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। मतलब मैं इनको क्या लिख सकता हूं कि V1 ओवरऑल इनपुट V1 और I1, ओके, और इनका रिलेशन अगर मैं ओवरऑल पैरामीटर लिखूं एबीसीडी, ओके, और ओवरऑल आउटपुट अगर मैं लिखूं, क्या लिखूंगा? V2 माइनस ऑफ I2, तो सर क्या रिलेशन दिखा कि ये ABCD पैरामीटर किसके बराबर हो जाएंगे? इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएंगे।